नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24x7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार। देश में लॉकडाउन कब तक चलेगा, इस पर मोदी आज मुख्यमंत्रियों के साथ पांचवी बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। केंद्र ने राज्य से कहा अब आर्थिक गतिविधियों को गति दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी मुख्यमंत्रियों के साथ पांचवी बार वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक करेंगे। बैठक दोपहर 3 बजे से रात 8 बजे तक चलेंगी, जिसमें सभी मुख्यमंत्रियों को बात रखने का मौका मिलेगा। लॉकडाउन का तीसरा फेज 17 मई को खत्म हो रहा है। ऐसे में मोदी मुख्यमंत्रियों से कोरोना से निपटने की रणनीति, लॉकडाउन की बंदिशें कम करने और आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने पर सुझाव मांग सकते हैं। दूसरी ओर केंद्र सरकार का फोकस अब इकोनॉमी को गति देने के लिए राज्यों में कामकाज शुरू कराने पर है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने रविवार को राज्यों के चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव और हेल्थ सेक्रेटरी, स्वास्थ्य सचिव से बात की थी। गौबा ने कहा कि राज्य सरकारों को आर्थिक गतिविधियां चालू करने पर जोर देना चाहिए। सरकार प्रवासियों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चला रही है। सभी राज्य इसमें ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें और वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे लोगों की लौटने पर मदद करें। पीएम मोदी ने दी बधाई, 1998 पोखरण परीक्षण को किया याद। भारत में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारत की विज्ञान में दक्षता एवं प्रौद्योगिक में विकास को दर्शाता है। इस दिन राष्ट्र गौरव के साथ साथ देश अपने वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को भी याद करता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। उन्होंने इस दौरान 1998 पोखरण परीक्षण को याद किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस पर हमारा राष्ट्र उन सभी को सलाम करता है जो दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रौद्योगिक का उपयोग कर रहे हैं। हमें 1998 में इस दिन हमारे वैज्ञानिकों की असाधारण उपलब्धि याद है। यह भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण था। ऑनलाइन टिकट बुकिंग हुई शुरू, कल से चलेगी 15 जोड़ी ट्रेनें। कोरोना महामारी के कारण देश में घोषित लॉकडाउन की वजह से बंद यात्री ट्रेनें 12 मई से फिर से रफ्तार पकड़ेगी। इस दौरान दूसरे राज्यों में फंसे लोग और जरूरी काम से दूसरे जगहों पर जाने वाले लोग यात्रा कर सकते हैं। शुरुआत में 15 जोड़ी ट्रेनें चलाई जाएंगी, यानी ये 15 रूटों पर चलेगी। ट्रेन दिल्ली से चलाई जाएगी, 11 मई को 4 बजे रिजर्वेशन मिलना शुरू हो जाएगा। इन ट्रेनों के टिकट केवल IRTC की वेबसाइट पर मिलेंगे, टिकट काउंटर पर नहीं। सभी कोच, AC और स्टॉप भी बेहद सीमित होंगे। इन ट्रेनों में यात्रा के लिए राजधानी ट्रेनों के बराबर किराया देना होगा। श्रमिकों को लेकर 7 बसें बांकुड़ा के लिए रवाना। राज्य सरकार की पहल पर शनिवार को दक्षिण बंगाल के बांकुड़ा के लिए करीब 7 बसों को रवाना किया गया। शनिवार को 13 बसों के माध्यम से करीब 350 लोगों को दक्षिण 24 परगना भेजा गया और रविवार को फिर से ऐसे लोग जो व्यक्तिगत कामों को लेकर अथवा यहाँ काम कर रहे श्रमिक जो लॉकडाउन के कारण सिलीगुड़ी में फंस चुके थे, उन सबको रविवार को बांकुड़ा भेजा गया। इन लोगों के रास्ते में खाने की व्यवस्था समाज सेवी राजू सरीन के द्वारा की गई थी। तृणमूल जिला अध्यक्ष रंजन सरकार पूरी व्यवस्था पर नजर बनाए हुए थे। प्रसूति एवं नवजात की मौत को लेकर हड़कंप। इस्लामपुर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में घटना के बाद तनाव। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप, अस्पताल में तोड़फोड़। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में सोमवार तड़के सुबह एक प्रसूति व नवजात बच्चे की मौत को लेकर भारी तनाव देखा जा रहा है। घटना को लेकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक महिला का नाम रंगाली बताया जा रहा है। वह इस्लामपुर थाने के मोहब्बतपुर इलाके की रहने वाली थी। महिला के ससुर एकरमुद्दीन ने बताया कि रविवार रात उसकी पुत्र वधु को प्रसव पीड़ा के बाद इस्लामपुर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल लाने के बाद चिकित्सकों ने तत्काल उसका इलाज शुरू नहीं किया। देर रात उसके पुत्र वधु ने एक मृत बच्चे को जन्म दिया। मृत बच्चे के अंतिम संस्कार की तैयारी की ही जा रही थी कि खबर मिली कि बच्चे की माँ की भी हालत आशंकाजनक है। जब उसके परिवार वाले देखने उसे अस्पताल पहुँचे तो उसे मृत पाया। उन्होंने अस्पताल के चिकित्सकों पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि अस्पताल में सही तरीके से महिला का सर्जरी नहीं किया गया। उन्होंने अतिरिक्त रक्तचाप के कारण हुई प्रसूति की मौत होने का आरोप लगाया। दूसरी ओर घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। सुरक्षा कर्मियों ने भारी मशक्कत के बाद हालत पर काबू पाया। इस घटना के बाद अस्पताल में भर्ती अन्य मरीज भी आतंकित हो उठे। তুলে ধর মানে পেশেন্টটা খুব আমাদের ভালো কোনো নর্মাল টর্মাল কিছু না, কোনো জ্বর টর কিছু নাই। সেই পেশেন্টটা রাত 11টা পর্যন্ত আসলাম, কোনো কেউ আমাকে দেখতে দিল না, পেশেন্টটা কাজে যেতে দিল না।
কোনো ডাক্তার ফাক্তার কিছু দেখলো না, ওয়াটা নিয়ে রাখে দিল। খালি বাজারে যখন হবে তখন বলবো, যখন হবে তখন বলবো, এরকম করে করে রাখলো। তারপরে একটার দিকে মেয়েটা জন্ম হলো, জন্ম হলো তো ওটা মারা, তো মারা তো ছেলেটা আলো দিয়ে পড়ালো। তা আমি সকালবেলা বললাম যে ওটাকে মাটি দিব, ওর জন্য কাপড় চাপড় খুলে কবর টবর খুঁজে মাটি তুলে গেলাম। এখনো মাটিও দিইনি, মানে কোড়ায় হচ্ছে, এর মধ্যে কুমড়ো চলছে। বউ মাটা মানে অবস্থা খুব খারাপ, আস্তে আস্তে দেখছি তো ডেট করে গেছে। এটা আমার মনে হচ্ছে লাপড়বাই করে মারছে, কোনো কোনো ডাক্তার কোনো দেখাশোনা করে না। আর যেটুকু সিজার করেছে সেই সময় সিজারটা কিন্তু ভালো মতন করেনি। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। 100% आयुर्वेदिक दमा दमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमा दमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमा दमन सिरप, दमा दमन चूर्ण, दमा दमन हर्बराज हर्बल टी जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टेक्ट नंबर 8597380। तयारी फ्लैट लाखौंको बजेट के तपाईले सिलगढीमा फ्ल्याट लिने सोच बनाउनु भएको छ? हजुर, यस्तै सुनौलो अवसर स्वागत रेसिडेन्सीले यहाँहरू समक्ष लिएर आएको छ, जहाँ तपाईले लाखौं रुपियाँको बजेटसँगै वास्तु अनुसार असल ढंगमा तयार गरिएको सम्पूर्ण सुविधायुक्त 80 फ्ल्याटको अपार्टमेन्ट पाउनुहुनेछ। स्वागत रेसिडेन्सी नियर निर्मला कन्भेन्ट होस्टेल, कन्ट्याक्ट 9832350915 9434001643। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कोरोना के 3 मामले आने के बाद लोग आतंकित बांस का बैरिकेड लगाकर बाहरी लोगों के गांव में प्रवेश पर लगाई पाबंदी। उत्तर दिनाजपुर जिले में 3 कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद जिले के ग्रीन जोन में ऑरेंज जोन अथवा रेड जोन में शामिल किए जाने की संभावना तेज हो गई है। इस बीच कोरोना के 3 मामले सामने आने के बाद जिले के विभिन्न इलाके में लोगों ने सड़क पर बांस का बैरिकेड लगाकर बाहर से आने वाले लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। जिले के रायगंज में 2 व अहमदाबाद में 1 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ये सभी हाल ही में दक्षिण बंगाल के तापसिया से उत्तर दिनाजपुर घर लौटे थे। जिले में 3 कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद पूरे जिले में लोग आतंकित है। এতদিন তো করোনা ভাইরাস আমাদের উত্তর দিনাজপুরে ধরা পড়েনি, হঠাৎ কালকে খবর পাওয়াতে ছেলেপেলে সব আতঙ্ক হয়ে গেছে। আর আমাদের এখান থেকে বেশি ডিস্টেন্স না শামপুরটা, তো এখন এই রোগটা তো এমন মহামারী যে ছোঁয়াছে, তার জন্য বড় রাস্তাটা আটকানো হয়েছে যে আমাদের এখানে বাইরের লোকজন যত একটু কম আসে, সাইডে খোলা আছে, প্রশাসনের উদ্দেশ্যে আসবে তারা। আর আমরা রাতের লক্ষ্য করে দেখেছি যে অবান্তর গাড়ি ঘোড়া বেশ যায়, উদ্দেশ্যটা কি আমার তো জানা নেই। সেই জন্য ছেলেপেলে দেখলো যে না, তাহলে বড় রাস্তাটাই বন্ধ করে রাখা হোক আপাতত, কারণ যেহেতু আমাদের উত্তর দিনাজপুর এখন আমরা আতঙ্কের মধ্যে আছি, সেই জন্যই ছেলেপেলে করেছে। देश में थमने का नाम नहीं ले रहा है कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 4,200 से ज्यादा मामला सामने आया। अब तक 2,206 लोगों की हो चुकी है मौतें। भारत में कोरोना वायरस COVID-19 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 4,213 मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में कोरोना वायरस के 67,152 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 44,029 एक्टिव केसेस है, 20,917 लोग ठीक हो गए हैं और 2,206 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में रिकॉर्ड 22,171 मामले सामने आए हैं। इनमें से 4,199 लोग ठीक हो चुके हैं, 832 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में 8,194 मामले सामने आए हैं, 2,545 लोग ठीक हो चुके हैं, 493 लोगों की मौत हो गई है। तमिलनाडु में 7,204 मामले सामने आए हैं, 1,959 लोग ठीक हो चुके हैं, 47 लोगों की तमिलनाडु में मौतें हो चुकी है। वेस्ट बंगाल स्टेट लीगल अथॉरिटी के सदस्यों ने बाजारों में चलाया अभियान। वेस्ट बंगाल स्टेट लीगल अथॉरिटी के सदस्यों ने रविवार को जलपाईगुड़ी शहर के विभिन्न बाजारों में अभियान चलाकर वहां बिक रहे आवश्यक सामानों के दामों की जांच की। संस्था के सदस्यों ने आज जलपाईगुड़ी के रथखोला बाजार, दीन बाजार, स्टेशन बाजार, बाहु बाजार समेत अन्य बाजारों में अभियान चलाया। बाजार पहुंचकर इन लोगों ने वहां खरीदारों और विक्रेताओं से विभिन्न सामानों के दामों की जानकारी ली। ये लोग
किराने की दुकान, सब्जी दुकान, मछली मांस दुकान समेत अन्य दुकानों में गए और वहां से सब चीजों की दाम की जांच की। सूत्र के अनुसार संस्था की ओर से रविवार को जलपाईगुड़ी के साथ ही माझ बाजार, मैनागुड़ी समेत विभिन्न जिलों के विभिन्न बाजारों में अभियान चलाया गया। জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট লিগাল সার্ভিস অথরিটি থেকে আমাদের সেক্রেটারি ম্যাডাম অস্মিতা সমস্তারের নেতৃত্বে সমস্ত মার্কেটেই আমরা হচ্ছে সার্ভে করছি জিনিসপত্রের দাম নিয়ে এই লকডাউনের মধ্যে, যাতে সাধারণ মানুষের কোনো অসুবিধা না হয় এবং কোনো কালোবাজারি না হয়, সেজন্য প্রত্যেকটা মার্কেটেই আমাদের এই সপ্তাহে একদিন করে সার্ভে করা হচ্ছে, যাতে কোনো কমপ্লেন না আসে বা বাজারে বেশি দাম নেওয়া না হয়। বা আমরা আজকে বয়লখানা বাজারে করছি, প্রতি সপ্তাহেই হচ্ছে সবচেয়ে। আমরা যেরকম মাল করছি সেরকম বিক্রি করতেছি, মার্কেটে যেরকম মাল বেশি দামে আনতেছি সেরকম কাস্টমারকে বুঝাচ্ছি, কাস্টমার বুঝতেছে বুঝতেছে না তাই না, আমার কোনো অসুবিধা না। বলতেছে যে ফ্যাক্টরি ফ্যাক্টরি সব বন্ধ আছে, মালটা আগে মালটা তৈরি তো হচ্ছে না, লেবার টেবার সব মালটা তো তৈরি হচ্ছে না, মালটা অ্যাভেলেবল আসবে কোথা থেকে, তাই জন্য কি অসুবিধা হচ্ছে, মাল দিতে পারছে না। সব কিছু চাহিদা মেটানো যাচ্ছে, যেরকম মেগি নাই, তারপরে মেগি কোনো কোম্পানি আর্টিফিশিয়াল মাল নাই, ডেন্টিফিশিয়াল নাই, ওইভাবেই চলতেছে আর কি। पश्चिम बंगाल में कोविड 19 से 24 घंटे में इतिहासकार और वकील समेत 14 लोगों की हुई मौत। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से एक इतिहासकार और एक वकील समेत 14 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही राज्य में मरने वालों की संख्या बढ़कर 113 हो गई है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 153 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर 1939 हो गई है। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज 417 लोगों को विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। संक्रमण के मुकाबले डिस्चार्ज दर 21.51% होने का दावा किया गया है। राज्य के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग की ओर से रविवार को जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार राज्य में फिलहाल 1337 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। अब तक कोरोना से 113 लोगों की मौत हुई है। वहीं कोरोना संक्रमण से जाने माने इतिहासकार हरिशंकर वासुदेवन की मौत हो गई। वासुदेवन 68 साल के थे। शनिवार रात 1 बजे के करीब उन्होंने अंतिम सांस ली। सॉल्ट लेक के सीडी ब्लॉक में रहने वाले वासुदेवन मई की शुरुआत में सर्दी खांसी और बुखार से पीड़ित हुए थे। 4 मई को उन्हें सॉल्ट लेक के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 6 मई को उनके कोरोना वायरस पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई थी। उसके बाद से उन्हें सांस लेने में काफी तकलीफ होने लगी थी। जान बचाने के लिए वेंटिलेशन पर गए थे लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया। भारत और यूरोप में लोकतंत्र और विकास के संबंध में शोध कर वासुदेवन के निधन से शिक्षा जगत में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 41.80 लाख लोग हो चुके हैं संक्रमित। अमेरिका में 24 घंटे में 776 लोगों की गई जान और 20,000 से ज्यादा केस सामने। दुनिया में संक्रमितों की संख्या 41,80,137 हो गई है। 283,852 की मौत हो चुकी है। इस दौरान 14,90,590 स्वस्थ भी हो चुके हैं। अमेरिका में 24 घंटे में 776 लोगों की जान गई है, जबकि 20,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले मिले हैं। देश में मरने वालों की संख्या 80,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि 13 लाख से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। लॉकडाउन प्रावधानों में ढील देने के बाद जर्मनी में संक्रमण के मामले बढ़ गए हैं। रॉबर्ट कोच इंस्टीट्यूशन के मुताबिक जर्मनी में संक्रमण का रिप्रोडक्शन रेट फिलहाल 1 से बढ़कर 1.3 हो गई है, यानी एक संक्रमित व्यक्ति ज्यादा लोगों को बीमार कर सकता है। लॉकडाउन हटाने की मांग को लेकर शनिवार को हजारों ने प्रदर्शन किया था। इससे पहले जर्मन चांसलर एंजेलो मार्कर ने बुधवार को 16 राज्यों के नेताओं से बातचीत करने के बाद लॉकडाउन में छूट की घोषणा की थी। यहां 1,71,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि 7,569 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार ने होम आइसोलेशन के लिए जारी किए नए गाइडलाइंस। 17 दिन बाद आइसोलेशन खत्म कर सकेंगे, बाशर्ते 10 दिन से बुखार नहीं आया हो तो। हर 8 घंटे में मास्क बदलना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के बहुत हल्के वेरी माइल्ड लक्षण या प्री सिम्टोमैटिक मरीजों के लिए होम आइसोलेशन की गाइडलाइंस में बदलाव किया है। होम आइसोलेशन वाले मरीज शुरुआती लक्षण दिखने के 17 दिन बाद आइसोलेशन खत्म कर सकेंगे। प्री सिम्टोमैटिक मामलों में सैंपलिंग के दिन से 17 दिन गिने जाएंगे। दोनों मामलों में यह शर्त होगी कि 10 दिन से बुखार नहीं आया हो। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने 17 अप्रैल को गाइडलाइंस जारी कर बहुत हल्के या प्री सिम्टोमैटिक मरीजों को होम आइसोलेशन की इजाजत दी थी। मंत्रालय ने अब होम आइसोलेशन वाले मरीजों को और उनकी देखभाल करने वालों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। दोनों को ट्रिपल लेयर मास्क पहनना जरूरी होगा। तो आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद। क्या आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन तो होगा, तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है।
आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है, कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए। तरीका बदल गया है, आप भी बदलिए। याद रखिए सिडवैप्स। सिडवैप्स ही आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिडवैप्स क्या है। शादी हो या कोई फंक्शन, इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ डीजी विजन एंड प्रोडक्शंस।